नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज बांसी डिस्ट्रिक्ट बांदा में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक और जनपद में जो है वो टैबलेट और स्मार्टफोन का जो है वितरण कार्यक्रम शुरू हो गया है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो उस छात्र का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे ये भेजा है खबर और जिसके माध्यम से मैं अपने चैनल पर दिखा पा रहा हूँ और जो है बहुत सारे बच्चों का इसमें भला हो पाएगा। ऐसी आपके पास भी कोई खबर आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो वहाँ पर आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप ग्रुप के, साथ में ही टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं इंपॉर्टेंट जो PDF रहती हैं वो भेजता रहता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये जो खबर है ये शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट की खबर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में इंटर व हाई स्कूल के 5 छात्र छात्राओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से योगी सरकार द्वारा टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण किया जा रहा है। और शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है 17 अप्रैल को गांधी भवन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, शाहजहाँपुर में 17 अप्रैल गांधी भवन सभागार में टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण किया जाएगा। CDO AB सिंह ने बताया कि पहले चरण में पॉलीटेक्निक के 436 छात्रों को जो टैबलेट वितरण किए जाएंगे। इसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हैं वो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना होंगे और विधायक जनप्रतिनिधि भी इसमें जो है मौजूद रहेंगे। जनपद में टैबलेट की बात और स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत पहली खेप प्राप्त हो चुकी है। एक मैंने 75 डिस्ट्रिक्ट की PDF भी आप लोगों को बताई थी तो उसमें शाहजहाँपुर के लिए जो है 4000 टैबलेट और 7480 जो है स्मार्टफोन प्राप्त जो है वहाँ पर हो चुके हैं पहली खेप, और जिसे जो है SS कॉलेज में कड़ी सुरक्षा में जो है वो रखवा दिया गया है। और वित्त नोडल अधिकारी गिरिजेश जो चौधरी जी ने बताया कि पॉलिटेक्निक छात्रों को टैबलेट का वितरण किया जा रहा है और शेष जो स्मार्टफोन और टैबलेट है उसका वितरण जल्द किया जाएगा। तो अभी तो जो है फिलहाल वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में कल मिलेंगे और बाकी जो है अन्य जगह पे वो जल्द ही जो है उसका विस्तृत कार्यक्रम आएगा और सभी जगह जो है 4000 जो है टैबलेट जो पहली खेप आई है 4000 टैबलेट की और 7400 की स्मार्टफोन की, ये पूरी जो है वो लगभग एक सप्ताह में बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं शाहजहाँपुर बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और जो छात्र अपने इस कॉलेज पॉलिटेक्निक से बिलोंग करते हैं तो वहाँ जाएँ। जो ITI के बच्चे हैं और महाविद्यालय के जो बच्चे हैं उनको जल्द ही टैबलेट यहाँ पर मिलने वाला है या स्मार्टफोन मिलने वाला है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।